तो नमस्कार मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सभी गाइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्रामर सेक्शन में से आप लोगों को कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स जो कि एमबी बुक के अंदर छपा हुआ है वहां से करवा रहे हैं। और आज का ये सेट नंबर 2 है, 2015 से सीजीएल प्री का ये टेस्ट पेपर है जिसमें आपको आज हम लोग कराने वाले हैं। इसमें छपी हुई कॉमन एरर 5 मार्क्स की, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 10 मार्क्स के। सो गाइज बहुत कुछ आज की वीडियो में। और गाइज आप लोग ये मत देखिएगा कि एक सेट करवा रहे हैं या दो सेट, आप लोग रूल्स पे अपना फोकस बनाइएगा जो कि ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अगर मैं दो सेट कराऊंगा तो आप कहेंगे सर तीन करवाइए, अगर मैं तीन कराऊंगा तो आप कहेंगे चार करवाइए, ये मन है कभी नहीं भरेगा बच्चों। तो कहना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं कुछ तो अच्छा बच्चों कुछ मिल रहा है ना, इसको ही कीजिए आप फिलहाल फटाफट से। ये बहुत है, पूरी बुक करना इतना ज़रूरी नहीं इतना कि आप ढंग से कर लें तो यस। और बाकी पूरी बुक हमने एक साथ करवा दी है पेड में, आप वहाँ से ले लीजिएगा, वहाँ आपको वन टाइम पेमेंट पे सारी बुक मिल जाएगी। ओके गाइस, फिलहाल यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 2 2015 एमबी बुक से, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। और जुड़ रहिएगा इसी तरह से गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और आप लोग वीडियोज़ को समय पर देखते रहें, क्योंकि ये सीरीज आपकी स्टर्न एग्जाम तक और एमटीएस एग्जाम तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो फिलहाल चलते हैं गाइस और शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। सो गाइस ये रहा आपके सामने सेट 2 सोल पेपर 2015 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। तो बेबी ने जो है अल्फ़ाबेट्स को लर्न किया 2 साल की उम्र में ही, ये कहना चाह रहा है बच्चों। यहाँ पे बेबी लर्न उसने कहा, सॉरी बॉबी, तो बॉबी एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उसने इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है अल्फ़ाबेट। बच्चों अल्फ़ाबेट आपका बना है अल्फ़ा प्लस बीटा से मिला करके, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये पोर्टमैनच्यू वर्ड है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है बच्चों जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जो आप पढ़ते हैं या फिर ए बी सी डी, ये सभी आपके अल्फ़ाबेट हैं। और बच्चों अल्फ़ाबेट के अंदर कभी भी हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। अल्फ़ाबेट की जब आप बात कर रहे हो तो आप इसमें एस या ई एस नहीं लगाया करते हैं जो कि रोंग है। तो गाइस यहाँ आपका बी पार्ट हो जाएगा पूरी तरह से रोंग। अगर गाइस आगे बढ़ें तो अगला है, कह रहे हैं कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोस। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, बच्चों यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो एक रूल हमने आपको बताया कि जब दो नाउन जुड़े हों एंड से, जब दो नाउन जुड़े हों एंड से। अब बच्चों आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको सुन लीजिए और जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको सुन लीजिएगा। अगर उससे पहले में एक से पहला आर्टिकल लगा हो तो गैस सिंगुलर वर्ब आया करती है, लेकिन गैस ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों के जेंडर क्लियर नहीं है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर जेंडर क्लियर है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पर द सम एंड सब्सटेंस जिनसे कोई जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और गैस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई गई है इसका मतलब ये सेंटेंस आपका नो एरर है। कह रहे कि आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। बच्चों यहाँ पे पियानोइस्ट का मतलब पियानो बजाने वाले से है, जिसकी स्पेलिंग इन्होंने गलत कर दी है, पी आई ए एन आई एस टी, यानी कि ये होनी चाहिए थी स्पेलिंग जो कि रॉन्ग है। तो ये ग्रामर पोर्शन में जाएगा नहीं, ये स्पेलिंग पोर्शन में चला जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत ही शानदार एरर इस तरह से दी जाती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है, रूइंस द रूइंस ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड एज जनरेशंस ऑफ खेमर इंजीनियर्स कोप विद अ वाटर सिस्टम दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली। द रुइंस ऑफ द स्पिलवे, यहाँ पे ये वर्ब जो है हमारी रुइंस के लिए है, किसके लिए बच्चों, रुइंस के लिए है अभी तो ठीक है। अ वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट वुड अनफोल्ड। बच्चों यहाँ पे जो उसने ये अनफोल्ड वर्ब लगाई है सेंटेंस में, आप इसको सेकेंड फॉर्म नहीं पैसिव के हिसाब से थर्ड फॉर्म में लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे ये अनफोल्ड फर्स्ट फॉर्म नहीं। और वैसे भी अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाना चाह रहे हो तो कम से कम आप लोग एपिक स्ट्रगल को देखते हुए अनफोल्ड्स करेंगे,
फर्स्ट फॉर्म तब भी नहीं आएगी यहाँ पे, अगर बच्चों के मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाइए, तब भी आप इसे अनफोल्ड नहीं अनफोल्ड्स करेंगे या फिर आप इसे अनफोल्डेड करेंगे। यस गाइस, आपको इनमें से कोई एक करना होगा तब जाके ये सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। अभी फिलहाल सेंटेंस में इस पार्ट में एरर है और ये पार्ट जा रहा आपका बी में, सेंटेंस के बी पार्ट में यहाँ पर एरर रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन टू डेज ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड, सेंटेंस जा रहा है पैसिव में लेकिन है प्रेजेंट में ही, बिल्कुल ठीक। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी बिल्कुल ठीक। एन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक। फॉर योर कंडक्ट, कंडक्ट बोलते हैं बच्चों बिहेवियर को। विद इन टू डेज ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, तो विद इन टू डेज आपको आपको देना होगा, जैसे ही आपको ये रिसीट मिलती है उसके दो दिन बाद। चलिए तो गाइस यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है सेंटेंस में, यहाँ पे पहले हिस्सा देखे गया, यह हिस्सा बिल्कुल ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन से पहले एन बिल्कुल ठीक है। फॉर योर कंडक्ट, यहाँ तो कोई खड़ी दिक्कत है ही नहीं। विद इन टू डेज ऑफ द रिसीट, बच्चों बस यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, जो नज़र आ रही है यहाँ पर रिसीट के साथ में आपका आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। यस, रिसीट का मतलब यहाँ पे प्राप्त करने से है और यहाँ पे इससे पहले आपका दा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सेंटेंस में सी पार्ट में आपके हो गई है एरर। बच्चों कुछ आपके फिलिंदा ब्लैंक्स जो आपके सामने हैं इस समय। किरदास स्टोरीज डैश मी वेरी स्ट्रेंजली, तो किरदास की कहानियों ने मुझे डैश किया। अब बच्चों इफेक्टेड किया या अफेक्टेड किया, आना तो इन दोनों में से कोई एक ही है, ये तो कंफर्म है। बाकी के दो जैसे कि बी है चेंज्ड यानी कि बदल देना, और अगला है एफ्लिक्टेड, कौन होता है पीड़ित करना किसी को। तो बच्चों ये नहीं होंगे आपके दो एक से लाख तक भी। अब गाइस इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से एक नाउन है और इनमें से एक वर्ब। ये आपका नाउन है और ये आपका एक वर्ब। अब गाइस सेंटेंस में जो ज़रूरत है, सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ज़रूरत है ना कि नाउन की। तो सेंटेंस में आपको अफेक्टेड की ज़रूरत है ना कि इफेक्टेड की। तो सेंटेंस का आंसर होना चाहिए आपका सिक्स का सी, पूरी तरह से करेक्ट। शी पिप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल। शी पिप्ड, बच्चों पिप्ड का होता है किसी को बहुत कम अंतर से हराना, किसी को बहुत कम अंतर से हराना उसे बोलते हैं पिप्ड। तो कह रहा है कि उसने अपने राइवल को यानी कि जो उसका प्रतिद्वंदी था उसको उसने बहुत कम अंतर से हराया। द राइवल डैश द गोल्ड मेडल। अब बच्चों यहाँ पर आपको लगाना है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन देखना है कि क्या होगा। बच्चों यहाँ पे शी पिप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल, तो किसके लिए बच्चों उसने हराया, गोल्ड मेडल के लिए, किसके लिए, गोल्ड मेडल के लिए। और जो आप ये लिए बोल रहे हैं बस इसी के लिए यहाँ पे फोर आना है बच्चों, क्या आना है इसके लिए यहाँ पे फोर। तो शी पिप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका अभी हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। शी पिप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। टू द गोल्ड मेडल नहीं, बच्चों टू मतलब होता है को, नियर मतलब नज़दीक, विद मतलब साथ, तो ये आपके नहीं होंगे, आपका आंसर होगा फोर यानी के लिए। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स डैश, यानी कि सुबह तक, यहाँ पे बाय का मतलब तक से है बच्चों, कह रहे हैं कि जो सुबह तक डैश द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स डैश, द फ्यूरी ऑफ द फ्लड डैश। बच्चों वोकैबुलरी बेस्ड है, पहला वर्ड है आपका अबेट, बच्चों अबेट का मतलब होता है कि जो कम करना, किसी चीज़ की गति को तीव्रता को कम करना। अगला वर्ड है ऐब, किसी लहर वगैरह को तोड़ना। अगला वर्ड है रिसीड, रिसीड का मतलब होता है बच्चों कम करना ही लेकिन किसी को धीरे धीरे कम करना। यस, और रिटायर्ड मतलब किसी को रिटायर कर देना। तो गाइज यहाँ पर ये आपके आंसर नहीं होंगे, आपका आंसर होगा सिर्फ अबेट, किसी चीज़ की तीव्रता को कम कर देना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अबेट, यानी कि अबेट अगर हो जाएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट। आगे देखिएगा, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डैश डिजायर्स ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड डैश। ये मैं कहना चाह रहा था बच्चों आपसे, इस बार फिल इन द ब्लैंक का पैटर्न यही रह सकता है बच्चों, ये सीईटी का पैटर्न है, ये आपका सीईटी, सॉरी माफी चाहूँगा, आपका जो जो बैंक का एग्जाम को कराते हैं बच्चों उनका ये पैटर्न है, जो अभी पिछले साल आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों।
TCS ने जो एग्ज़ाम कराया है, ये TCS का अंदाज है बच्चों। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक दे करके आपको कन्फ्यूज़ भी किया जा सकता है और ये आसान भी पढ़ते हैं। कई बार दूसरे वर्ड को देख करके पहले वर्ड का आंसर निकलता है, कई बार पहले को देख करके दूसरे का। वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डैश डिजायर ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड डैश। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे वर्ड उसने दिया अल्ट्रुइज्म, अब अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है बच्चा परोपकार करना किसी के ऊपर, अच्छा काम करना। अब बच्चों एंड से जुड़ा हुआ है तो अल्ट्रुइज्म के बाद भी वही वर्ड होगा जो कि पीछे दिया गया, मतलब उसके जैसा ही वर्ड होना चाहिए। तो बच्चों उसके जैसे वर्ड के लिए मेरे पास है फिलंथ्रोपी। फिलंथ्रोपी मतलब मानव से प्रेम करने वाला। अगला वर्ड है हमारे पास में लिबर्टी यानी कि आज़ादी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। एबिलिटी मतलब योग्यता। तो बच्चों अल्ट्रुइज्म का होता है वो व्यक्ति जो मानव पे उपकार करे, लोगों की मदद करे, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। ऐसी हो जाए बच्चों का फिलंथ्रोपी यानी कि मानव से प्रेम करने वाला। तो ये दो वर्ड सेम मीनिंग देने वाले एक साथ लगेंगे, ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। यदि सेंटेंस हमारा एंड बट और से कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फिलंथ्रोपी। शिप्स आर ड्रेस बाय जेंट इंजन्स। तो बच्चों शिप्स को जो है खींचा जाता है बड़े बड़े इंजनों के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे सेल नहीं होगा, ड्रैग माने वैसे खींचना होता है, पुल माने भी, तो यहाँ पे होगा ड्रिवन। यस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ड्रिवन यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। तो बच्चों ये आपके कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपके सामने हैं। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। कह रहा है कि द ग्लास फिगरिन दैट वॉज बींग शोन इन द स्टोर विंडो अपील टू मी। जो ग्लास फिगरिन है जो कि विंडो से मुझे दिखाई दे रहा है शोरूम में रखा हुआ, मुझे अपील कर रहा है यानी कि मुझे आकर्षित कर रहा है, जी कर रहा है कि उसको ले लूँ। चलो सो बच्चों दुकान में जब कोई चीज़ रखी जाती है तो वो डिस्प्ले के लिए रखी जाती है, और वो चीज़ रखी जाती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। सही बात तो ये है, तभी तो लोग आकर्षित होंगे। सबसे हल्की चीज़ नहीं रखी जाती डिस्प्ले के लिए, जो सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है उसको रखा जाता है। तो द ग्लास फिगरिन दैट वॉज ऑन डिस्प्ले, दैट वॉज ऑन डिस्प्ले नॉट दैट वॉज बींग शोन। तो गैस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। दैट वॉज ऑन डिस्प्ले यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सी सेड दैट शी वॉज ग्लेड टू बी हेयर दैट इवनिंग। उसने कहा कि उसको बड़ी खुशी है यहाँ होने की। ज़रा ध्यान से देखिएगा, सी सेड दैट, सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, और जब सेंटेंस हमारा चल रहा हो पास्ट में तो हम लोग हेयर का नहीं देयर का इस्तेमाल किया करते हैं, हेयर का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ प्रेजेंट में किया करते हैं। तो सी सेड दैट शी वॉज ग्लेड टू बी देयर। बच्चों यहाँ पे आंसर होना चाहिए था आपका देयर नॉट हेयर। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पैसिव में जबकि पिछला सब कुछ एक्टिव में चल रहा है, और टू कम हेयर यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगी कि हेयर क्यों आया। द नोटोरियस क्रिमिनल डैश वेंट टू द पुलिस टू गो द प्राइजन। तो वो यहाँ जो कुख्यात आतंकवादी थे अपराधी थे वो पुलिस स्टेशन गए कि उनको कैद कर लिया जाए। ऐसा भैया उत्तर प्रदेश में हो रहा है आजकल योगी जी के देश प्रदेश में, हो सकता है योगी जी की ही प्रदेश की कहानी हो। कह रहा है कि द नोटोरियस क्रिमिनल डैश, बच्चों जब कोई अपराधी अपने हाथ खुद से खड़े कर दे तो उसको बोलते हैं सरेंडर करना। क्या बोलते हैं गाइस उसको? सरेंडर करना। तो द नोटोरियस क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। तो पुलिस के सामने उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। गेव हिमसेल्फ अप फॉर द पुलिस सबमिटेड टू द पुलिस, यहाँ पर इसका आंसर ए ही रहेगा करेक्ट। कह रहे कि आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा है। तो सेंटेंस में गाइस आपको दिख रहा है सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसा कि आपको ग्रामर के दौरान बताया गया है कि यदि सेंटेंस में कभी भी सिंस या फोर प्लस टाइम आपको दिखाई दे जाए तो आप समझिएगा सेंटेंस हमारा बना है परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक लगाना ही होगा, साथ में लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप सिर्फ सेंटेंस को परफेक्ट बना रहे हैं तो हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, तब भी सेंटेंस आपको करेक्ट माना जाएगा। तो सेंटेंस में यहाँ पर यही गलती है। कह रहे हैं कि आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम,
आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चों यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा जब यहाँ पे हैव नॉट बीन है तो सर आपने ये क्यों नहीं लगाया। इसके लिए मैंने आपसे कल भी कहा था आप हमारा एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर देख लीजिएगा, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। अब आपको कहे सर ये बच्चों वाले काम हम क्यों करें, जरा बच्चों वाली एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कल भी एक सेंटेंस आया था और आज भी एक सेंटेंस आया है। कल था वांटिंग, आज है सींग। बच्चों ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, उन्हीं में से है कि आपके सींग को मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता था, तो आपको मजबूरन सेंटेंस को परफेक्ट बनाना होगा। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायहरा ऑल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशंस। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक जो दिया उसको पकड़िएगा, खाली कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, तो गाइस स्टार्विंग द चिल्ड्रन ही, ओनली स्टार्विंग चिल्ड्रन, यहाँ और कुछ नहीं एक्स्ट्रा होना चाहिए था, सिर्फ स्टार्विंग चिल्ड्रन होता तो सेंटेंस ठीक हो जाता। सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अब यहाँ पे गाइस अगर स्टार्व चिल्ड्रन करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, स्टार्विंग चाइल्ड करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो बी करेक्ट है। इट इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन, यानी कि अगर उसके पास फोन हो सॉरी टाइम होता तो वो फोन करेगा। तो कैसे यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, किस में चल रहा है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में। अब मैंने बताया आपको कि अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होगा तो ये एस या ई एस ही है। बच्चों हैव की फॉर्म में एस या ई एस लगाया गया है तो नेक्स्ट पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा जो कि वो है बच्चों, तो यहाँ सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ, वह मिला एक यूरोपियन लेडी से जो कि काम कर रही थी एनजीओ के लिए, सो यहाँ पे बच्चों बताना होगा, आर्टिकल लगाना होगा। ही मेट अ यूरोपियन लेडी, बच्चों से पहले आर्टिकल आपको लगाना होगा। हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ, यहाँ पर आपको एक हु का भी इस्तेमाल करना होगा ये बताने के लिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे मिले उसके बाद आपने बताया लोगों को कि वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। यस, इसलिए यहाँ पे बच्चों आपको लगाना होगा। और दूसरी गाइस बात गाइस यहाँ पे हु उसने लगाया हुआ है, मैं कोई नया नहीं लगा रहा हूँ। अब ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बच्चों इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु हुम विच व्हाट दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ये जिसके लिए आया करते हैं उसके बिल्कुल तुरंत बाद ही होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लेडी के तुरंत बाद होगा तो सेंटेंस का आंसर होगा ही मेट अ यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर द एनजीओ एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वी डू नॉट बिलीव इन अ ड्यूल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, यानी कि हमें कंपनी की ड्यूल पॉलिसी पर यकीन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने हैं, जबकि यहाँ पर दोनों नहीं आएंगे, दो ऑप्शन अगले पेज पर उनको देख लेते हैं। इन दिस, बिल्कुल बच्चों सेंटेंस में इन दिस आना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस हमारा बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है। पॉलिसी ऑफ द कंपनी, पॉलिसीज उसने नहीं कहा है, तो जो आप यहाँ पे दिस लगाएंगे तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपका हो जाएगा सीक्रेट। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, या आपने रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा जरूर, जैसा कि हम लोगों ने भी आपको पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन, शायद ये पेड में है लेकिन देखिएगा ज़रूर। कह रहे कि द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पर सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया गया है, ये टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, जैसे कि न्यूज़ इतनी सही है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सी इज़ टू डल टू पास, वह इतनी कमज़ोर है कि पास नहीं हो सकती, कुछ इस तरह से जब आप बात करते हैं तब आप टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस वाले टू को हटा करके लगाया करते हैं सो, और इस वाले टू को हटा करके हम लोग लगाया करते हैं दैट, फिर सब्जेक्ट न्यूज़ के हिसाब से ही, फिर कैन नॉट या कुड नॉट, सेंटेंस अगर प्रेजेंट या पास में चल रहा है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यहाँ पे दिस न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो यानी कि ये भी सही हो सकता है, और दिस न्यूज़ इज़ टू गुड, दिस न्यूज़ इज़ कैन नॉट बी ट्रू, अगर यहाँ पे इस पूरे को हटा दिया जाए बात ही ख़त्म कर दिया जाए तो ये हो सकता है। हालांकि गाइस इसके आंसर दोनों ही हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, यानी कि ए भी और बी भी, ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। और गाइस
अगर आप चाहें तो जैसे कि इसको हटा भी सकते हैं, मतलब अगर मैं इसकी बात ही ख़त्म कर दूं तो ये सेंटेंस अपने आप में भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका अपने आप में भी ठीक है और ये लगा के कहीं भी ठीक है, तो गाइज़ आपको इसे नो इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं अगर देखा जाए तो। तो सेंटेंस का आंसर आपका ए बी डी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों से मैं लगाने के आंसर हैं, ध्यान रखना छोड़ने के नहीं। ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज, यानी कि अपनी एज से वो लंबा है ये कहना चाह रहा है, तो गैस ही इज़ रेदर टॉल, यानी कि थोड़ा सा यस, तो गैस यहाँ पे ही इज़ रेदर टॉल फॉर हिज एज, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। सो गैस ग्रामर का ये सेक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दो सेट की चाह मत कीजिएगा बच्चों, भी एक सेट मिल रहा है ये भी काफ़ी है, क्योंकि समय की थोड़ी तंगी चल रही है, इसलिए आप लोगों को देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रा कम मिल रहा है देख रहा हूँ मैं आप लोगों को बच्चों, आलकस बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, ऐसा ना करें, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। 4 वीडियोज़ हम लोग आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं और 1-2 नोटिफिकेशन की वीडियो भी दे देते हैं बीच बीच में, तो इसलिए बच्चों बनता है आपका कुछ हक। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।